सोलन नगर परिषद पर आखिर कांग्रेस कब्जा करने में कामयाब हो गई और भाजपा की सारी रणनीति धराशाही हो गई। कांग्रेस द्वारा पूनम ग्रोवर को मेयर और राजीव कोड़ा को डिप्टी मेयर चुना गया। मेयर के चुनावों के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल और खाड़ी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी नगर निगम में पहुंचे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा ने जाल बिछाकर कांग्रेस पार्षदों में सेंधमारी कर ली है। वे सभी आश्वस्त भी नजर आ रहे थे। मनीष सोपाल जो आजाद प्रत्याशी थे, उसे भाजपा द्वारा मेयर के चुनावों में उतारा गया। वहीं डिप्टी मेयर के लिए शैलेंद्र गुप्ता को प्रस्तावित किया गया था। सभी को आशंका थी कि कांग्रेस पार्षद क्रॉस वोटिंग करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने एकजुटता दिखाई और यही वजह रही कि विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस को विजय हासिल हुई। मेयर बनते ही पूनम ग्रोवर ने सोलन की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि सोलन की जनता ने उन्हें सोलन के विकास के लिए चुना है और वे नगर निगम में राजनीति के लिए नहीं बल्कि सोलन के विकास के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि वे सोलन शहरवासियों को अपने परिवार की तरह समझती हैं, इसलिए वे सभी समस्याएं प्राथमिकता के तौर पर हल करेंगी और सोलन को एक आदर्श नगर निगम बनाएंगी। उन्होंने भाजपा को भी संदेश दिया कि उनमें भाजपा नेताओं की तरह द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है। वे चुनकर आए पार्षदों को भी नगर निगम का परिवार मानती हैं, इसलिए वे सभी वार्डों का बिना किसी भेदभाव के विकास करेंगी। आपको पहले सबसे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। और जैसे आप जीती हैं, क्या लक्ष्य लेकर आप आगे चलेंगी, क्योंकि बहुत सारी अब यानी कि मुश्किलें शुरू होने वाली हैं, क्या करेंगे? सर, राजनीति से ऊपर उठ के काम करूंगी, अपनी टीम को साथ लेकर चलूंगी, नगर निगम के स्टाफ को साथ लेकर चलूंगी, एक परिवार की तरह चलूंगी और शहर की डेवलपमेंट के लिए हम सब एक हैं और सोलन नगर निगम को एक आदर्श नगर निगम बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। एकजुटता यहाँ पर देखने को मिली और एकजुटता की वजह से ही आप बनी, क्या कहेंगे? वैसे काफी प्रेशर टीम भाजपा ने लगाने की कोशिश की। हम सब एक हैं और इकट्ठे रहेंगे, एकजुट ही रहेंगे, ऐसा है, कोई भी हमारे को जो है तोड़ नहीं सकता। पार्टी के लिए भी हम एक हैं, अपने सोलन नगर निगम के लोगों के लिए भी एक हैं और एक 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 एकजुट सा से ही काम करेंगे। भाजपा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पार्षद चुन के आए? सर, उन लोगों को भी हम अपने साथ ही लेकर चलेंगे, हमारे में द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है। भाजपा वाले लोग बेशक वो करते हैं द्वेष की भावना, हम उनको अपने परिवार के सदस्य समझते हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे, पूरे शहर में डेवलपमेंट करवाएंगे, सारा के सारा वार्डों में डेवलपमेंट होगी, तभी हमारा नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बनेगा।